देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर समूचा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा 75 साल बाद भी रेल सुविधा से वंचित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ओडिशा के बरगढ़ तक रेल पथ निर्माण के लिए लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अंचल की जनता की आवाज देश संसद तक वजनदार तरीके से नहीं पहुँच रही है। देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर समूचा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा 75 साल बाद भी रेल सुविधा से वंचित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ओडिशा के बरगढ़ तक रेल पथ निर्माण के लिए लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अंचल की जनता की आवाज देश संसद तक वजनदार तरीके से नहीं पहुंच रही है। रेल सुविधा की मांग को लेकर पूर्वी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पश्चिम हिस्से के कुछ लोगों ने रेल निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया है और समिति के बैनर तले भी लगातार रेल विस्तार की मांग उठाई जा रही है। हम आपको बता दें कि रायपुर बरगढ़ रेलवे लाइन विस्तार होने की स्थिति में मुंबई हावड़ा रेल पथ की दूरी में भी लगभग 150 किलोमीटर की कमी आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आने वाले पिथौरा बसना सरायपाली ओडिशा के सोहेला लोहरा चट्टी अंचल के लगभग 40 से 50 लाख की आबादी को रेलवे की सस्ती और सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं अंचल के व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि अंचल वासियों द्वारा रेल पथ निर्माण के लिए दशकों से मांग उठाई जा रही है, लेकिन विडंबना है कि इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और क्षेत्रीय जनता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। रायपुर बरगढ़ रेल लाइन संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग पिछले कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में हमारे सरायपाली बसना पिथौड़ा बागबारा महासमुंद होते हुए बरगढ़ को जोड़ा जाए, जिससे 150 से 200 किलोमीटर की दूरी रायपुर से जो है संबलपुर की कम हो जाएगी झारसुगुड़ा से। लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे स्थानीय नेताओं सांसद महोदय ठीक ढंग से इस मांग को संसद में उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह मांग पूर्ण नहीं हो रही है। इसको लेकर लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या इसके बनने से क्या फ़ायदा होगा? इसके बनने से सबसे पहले तो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी झारसुगुड़ा से लेके रायपुर के बीच में, और आवागमन की सुविधा बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। और पिछले दशकों से ये मांग चल रही है। अभी इस मांग के सहयोग समर्थन के सिलसिले में विगत दिनों संबलपुर के सांसद, बरगढ़ के विधायक महोदय, स्थानीय सरायपाली बसना के विधायक और हमारे ज़िले के चारों विधायक सांसद महोदय से भी मुलाकात किए थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उड़ीसा में खरियार रोड से बरगढ़ की नई रेलवे लाइन स्वीकृत हो गई है। अभी जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, परिवहन जो चल रहा है, ये किस पे हो रहा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है? ट्रांसपोर्टिंग का काम जो ट्रकों से हो रहा है, बस ट्रक से हो रहा है, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, एट व्हीलर, तो उसमें डीजल का भी कंजक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आने आगमन की सुविधा तकलीफ है, और छोटी गाड़ियों में क्या है, डीजल का कंजक्शन ज़्यादा होता है तो लोगों को महंगा पड़ता है। ये मांग आपके कितने वर्षों से चल रही है? ये रेलवे रेल लाइन संघर्ष समिति तो पिछले 3-4 वर्षों से हमने बनाया है, और ये मांग वैसे विगत 30-40 वर्षों से ये मांग चल रही है कि यहाँ पे रेलवे लाइन का निर्माण हो। क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है? सर देखिए, आशा से आसमान टिका है, हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय है, पिछले सांसद महोदय भी उतना वजनदार तरीके से संसद में नहीं उठाए। जैसे अभी रेलवे मंत्री बने श्री अश्विनी वैष्णव जी, उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा के हैं तो ऐसा लगता है कि उड़ीसा वालों के लिए उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराया है, ऐसा बहुत सारे पेपर में आ रहा है। देखिए, जितनी भी सरकारें अब तक रही हैं, सरायपाली अंचल के लोग शुरू से ही रेलवे लाइन की मांग करते आ रहे हैं। रेलवे लाइन की मांग अगर वर्तमान सरकार पूरी करती है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा रेलवे डिपार्टमेंट को होगा। बम्बे और कलकत्ता की दूरी जो है लगभग 110 किलोमीटर कम होगी। जो माल वाहन यहाँ से गुजरते हैं उनको ईंधन का खपत बहुत कम हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ के जितने बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, राम पथ गमन जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना, वो भी उसमें जुड़ेगी। सिरपुर नगरी उससे जुड़ेगा, और सरायपाली अंचल से जो धान का उठाव होता है उसमें सरकार को बहुत आसानी होगी। तो ये बहुत फायदे वाला प्रोजेक्ट है, और हमारे जो सांसद महोदय हैं उनसे अनुरोध करूँगा, इस बजट में वो सरायपाली बसना पिथौरा को
रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए मांग उठाएं और इस मांग को इस बजट में रखें। काफी लंबे समय से यह मांग चल रही है, उसके बाद भी इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? यह बड़ी विडंबना है कि बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन सराईपाली की यह मांग आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लंबित है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।